उधर पंचकुला दे विच सरपंचां ते पुलिस दे वल्लों लाठीचार्ज किया गया है। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों ते पानी दीआं बुछाड़ां भी मारियां। तुहानूं इह वी दस दईए कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों नूं दौड़ा दौड़ा के कुटिया। जी हाँ, तस्वीरां तुहानूं नाल जरूर सांझा करांगे। सीएम मनोहर लाल की रिहायश दे किरण रिहायश का घेरा पा जा रहे सन। ये तमाम सरपंच जिन्हों के वलों ई टेंडरिंग प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है। तो इसे मद्देनजरिया चंडीगढ़ पंचकूला बॉर्डर उत्ते खूब हंगामा भी देखने को मिलिया। तो इस दौरान यह भी नजर आया कि तमाम इन सरपंचों के वलों बैरीकेड्स तोड़द होगे वध्या गया, अगे वधन की कोशिश की गई। तो रोकने के लिए पुलिस वालों पानी दिया बुछाड़ा का इस्तेमाल किया गया। सीएम के ओएसटी गलबात सहमति हालांकि नहीं बनी है। हालांकि देखना होगा कि इस मसले को किवें सुलझाया जाएगा, पर वड्डी गिणती दे विच जरूर ये प्रदर्शनकारी सरपंच पहुंचे हुए ने चंडीगढ़ पंचकूला बॉर्डर उत्ते। इस दौरान उन्होंने वालों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की रिहायश का घिराओ करने की कोशिश तो जरूर की गई, पर इस दौरान पुलिस वालों पानी दे बुछाड़ा का इस्तेमाल किया गया। पर इन्हें नहीं, इस दौरान यह भी जो नजर आया है कि पुलिस मुलाजमान के वालों इन्होंने सरपंचों उत्ते लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से पानी दियां बुछाड़ा भी मारिया ने। उमंग है, उमंग ने साढ़े नाल इसे खबर तो उन्होंने रुख कर लें। उमंग जानना चाहवांगे इस मामले दे विच की कुछ अपडेट है, की कुछ चल रहा है फिलहाल उत्थे, क्योंकि ओएसडी नाल सहमति तो नहीं बनी, हुण अगे दी रणनीति की कुछ रहण वाली है। को लेकर आपको बताना चाहूंगी कि जो पंच सरपंच अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास के घेराव को जिन्होंने पूछ किया था और उसको लेकर जो उनका टकराव हुआ बॉर्डर पर, उसके बाद लगातार कई देर की कोशिश के बाद आखिरकार सरकार ने बातचीत की पहल की और ओएसडी भुवनेश्वर दयाल जो है वो बातचीत के लिए पहुंचे, लेकिन वो बातचीत भी जो है कहीं ना कहीं विफल रही। और उसके बाद दोबारा के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज जो है प्रदर्शनकारी सरपंचों और पंचों पे किया, बल का प्रयोग किया, इन्हें खदेड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि इन्होंने ऐलान किया था कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये एक परमानेंट यानी स्थायी धरना व प्रदर्शन पंचकूला चंडीगढ़ बॉर्डर पर करेंगे। जी जी उमंग, पहला तो तस्वीर जो असं अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं बेहद ज्यादा हैरान कर देने वाली ने कि किस ढंग के नाल सरपंच उत्थे पहुंचे। तो इस दौरान ना पुलिस मुलाजमान के वालों ना बजुर्ग सरपंचा ते महिला सरपंचा ते जो कुछ आगू भी मौजूद सन दौड़ा दौड़ा के कुटिया गया है, लाठियां मारिया गई ने इस दौरान। जी बिल्कुल, इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। लाठीचार्ज जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम पंच सरपंच जो पूरे प्रदेश के हजारों की संख्या में कब्जे पे किया गया है। कई सरपंच इसमें घायल हुए हैं, कईयों को चोट आई है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया है और अभी भी यहां पर तनाव का माहौल बना हुआ है। जी एक और सवाल है मेरा उमंग तौर तो कि आखिर की कुछ हूँ किया जाएगा इन्होंने वालों की कुछ रणनीति रहने वाली है, क्योंकि अज तो जो असं देखिए बकायदा पूरे देश को देखिए कि किमें कुछ वापरिया इतने हूँ अगे की कुछ करेंगे। देखिए बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। अगर बात करें पंच सरपंचों की तो ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल की जो मांग है उसको लेकर उसका विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका साफ तौर पर कह रहे हैं जब तक इसे रद्द नहीं किया जाएगा इनका प्रदर्शन जारी रहेगा और सरकार से इस मुतालिक वो लगातार अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ी है। वो लगातार सरकार का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकेगा और ट्रांसपेरेंसी जो है सरपंच के द्वारा विकास प्रक्रिया में जो है देखने को मिलेगी, लेकिन सरपंचों का इसको लेकर जो प्रदर्शन है उनके काफी दलीलें हैं जो नुकसान गिराती हैं ई टेंडरिंग की और राइट टू रिकॉल की। जी जी स्थिति है ग्राउंड लेवल पे क्लियर हो चुकी है या फिर अजय भी होते अजय तस्वीर देखने को मिल रही ने। देखिए अभी भी यहाँ पर स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है, यहाँ पर पुलिस बल जो है पंचकूला पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस का मौजूद है, हैवी बैरिगेटिंग की गई है और दो बैरिगेट उखाड़ कर दो लेयर की जो बैरिगेटिंग थी वो उखाड़ दी गई है, तीसरी फाइनल बैरिगेटिंग है जिस तक पहुंच गए थे प्रदर्शनकारी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं वज्रवान यहाँ तैनात किया गया है और आंसू गैस की गोली छोड़ने वाला जो स्पेशल व्हीकल है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है। जी 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 तुम सा बने रहो उमंग, अपने दर्शकों तक एक बार फिर तो तस्वीर के नाल जानकारी जरूर दे दी है। पंचकूला तो तस्वीर लगातार सामने आ रही ने कि किस ढंग के नाल उत्थे मुजहरा करने लिए तमाम सरपंच पहुंचे हुए सन। तो इन्ह पुलिस मुलाजमान के वालों इन्ह सरपंचों उत्ते लाठीचार्ज किया गया, तोड़ा तोड़ा के इन्हें सरपंचों जड़ा है लाठिया मारिया गई ने। तो दूसरे पास ये भी देखने को मिलया कि इन प्रदर्शनकारियों उत्ते पानी दिया बुछाड़ा का इस्तेमाल भी किया गया। जो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों उत्ते पानी दिया बुछाड़ा भी मारिया ने, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों दौड़ा दौड़ा के कुटिया भी है। उमंग लगातार बने हुए ने साढ़े नाल, उमंग का रुख कर लें। उमंग जानना चाहवांगे इस मामले के
उमंग नाल जरूर संपर्क टूट चुका है, पर एक बार फिर तो दर्शकों नाल तस्वीरां दे नाल नाल जानकारी जरूर दे दी है कि सीएम मनोहर लाल की रिहायश किरण का इन्हां सरपंचों के वलों प्लैन किया गया सी तां बैरीकेड्स तोड़ के अगे वधदे होए नज़र आए ईट एंड ड्रिंक प्रक्रिया का विरोध इन्हां दे वलों किया गया। तो दूसरे पासे पंचायत मंत्री दे वलों जिस ढंग दे नाल बयान दिता गया उसकी नखेधी भी इन्हां दे वलों की गई। तो आख्या गया कि पंचायत मंत्री अपना बयान जिहड़ा है वापस लै लैण, तो दूसरे पासे ईट एंड ड्रिंक प्रक्रिया नूं हाल करने की मांग की जा रही है। तो एक पास जिथे सूबा सरकार, एक पास जिथे केंद्र सरकार लगातार डिजिटाइजेशन मोड से डिजिटल हर चीज तो करने लगी हुई है, टेंडरिंग प्रक्रिया में भी पारदर्शिता के मकसद नाल लैके आने की गल आखी गई है। तो दूसरे पास न सरपंचों के वलों इसका विरोध किया गया, आख्या गया कि असं ई टेंडरिंग प्रक्रिया नहीं मानते, असं स्वीकार नहीं करेंगे, इस करके ई टेंडरिंग प्रक्रिया रद्द किया जाए, वापस लिया जाए, ये मांग उठती हुई नजर आ रही है। हालांकि एक बार फिर तो दस दिए कि ऐलान कर दिया गया है कि इतने पक्का मोर्चा लगाया जाएगा, पर जिस ढंग के नाल पंचकूला चंडीगढ़ बॉर्डर उत्ते तनावपूर्ण तस्वीर देखने को मिली तो दूसरे पास इन्हां तमाम सरपंचों के वलों बैरीकेड्स तोड़दे हुए अगे वधे ने, जो हाँ बैरीकेड्स तोड़दे हुए अगे वधदे हुए ये तमाम जो सरपंच सन नजर आ रहे सन। सीएम दे ओएसडी नाल हालांकि जरूर एक बार यह दस दिए कि सीएम दे ओएसडी दे नाल गलबात हुई, पर गलबात राही मसले का जिते हल निकलना चाहिए सी मसले का हल नहीं निकलिया, यानी कि सीधे तौर उत्ते सरपंच जड़े ने एक पासे अड़े हुए ने, दूसरे पासे ए सरकार रड़ी हुई है। सरकार का यह कहना है कि ई टेंडरिंग प्रक्रिया जारी ही रहेगी। तो दूसरे पासे इन्हां दे वलों एक बार फिर तो ऐलान कर दिया गया है कि धरना जिहड़ा है वह धरना जिहड़ा है चलता रहेगा, लंबे समय तक चलता रहेगा, पक्का धरना लगाउण दी मांग की गई इन्हां तमाम सरपंचों के वलों। पर वाकई ये जो तस्वीर तुसीं देख पा रहे हो जिथे देखो ये तमाम जड़े ने पत्थर, उस तो बाद बेहद ज़्यादा जख्मी है सरपंच, दूसरे पासे पुलिस मुलाजम इन्हां सरपंचों नूं दौड़ाते हुए लाठियां मारते हुए नज़र साफ तौर पर आ रहे हैं। कैद तस्वीर हो चुकिया ने कैमरे के।